मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम का एपेक इजलास में शिरकत के लिए अमरीका का दौरा। कैलिफोर्निया के गवर्नर से मुलाकात। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से दिए गए इस्तकबालिये में शिरकत। अमरीकी और चीनी सदर के दरमियान मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। जो बाइडन ने कहा कि तनाव को तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहिए। चीनी सदर का कहना था कि सुपर पावर्स के लिए एक दूसरे से मुंह मोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada ke Wazir Azam Justin Trudeau ne San Francisco mein Asia Pacific Economic Cooperation Summit mein shirkat ke liye California mein pahunchne ke baad purani dosti aur nayi raahon par tawajjuh markooz ki. Mazeed jante hain is report mein. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सैन फ्रांसिस्को में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट में शिरकत के लिए कैलिफोर्निया में पहुंचने के बाद पुरानी दोस्ती और नई राहों पर तवज्जो मरकूज की। हुकूमत का नया हासिल करदा एयरबस CC-330 सैन फ्रांसिस्को के बैन अलाकवामी हवाई अड्डे पर रुक गया, जहाँ अमरीका में कैनेडा के सफीर क्रिस्टन हिलमैन ने सफीरों के एक ग्रुप की क्यादत की, जिन्होंने वजीर आजम को जहाज से उतरते ही खुश आमदीद कहा। कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल के मशहूर मोटरसाइकिल पुलिस वाले वजीर आजम के काफिले के साथ सायरन बजते हुए सिक्योरिटी जोन के उस किनारे तक पहुंच गए, जहां सरबराही इजलास मुनक्किद हो रहा है। ट्रूडो की शेड्यूल में सबसे पहले कैलिफोर्निया के गवर्नर ग्यान न्यूजोम के साथ दो तरफा मुलाकात थी, जो कि एक आज़ाद ख्याल चश्मा है जिसकी आबो हवा की तब्दीली से निमटने की कोशिशों ने उन्हें एक नुमाया और काबिल कदर इतिहादी बना दिया है। न्यूजोम ने ट्रूडो की कैनेडियन माशरे की वजाहत को कसीरियत पसंद करार दिया, एक मयार जिसके बारे में उसने कहा कि वो सुनहरी रियासत में तवील अरसे से ख्वाहिशमंद है। बाद अजा ट्रूडो ने एक वसी अरीज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा किया, जहाँ उन्होंने माहरीन तालीम, हुकूमती अहदेदारों और टेक एंड एग्री फूड के रहनुमाओं से मुलाकात की, ताकि इस्तेताद के बहरान से निमटने के तरीकों पर बात की जा सके। उन्होंने अमरीकी और घरेलू पैदावार की नुमाइश का सर्वे किया। ट्रूडो ने अफराद ज़र और बुलंद शरह सूद, मकानात की किल्लत और मौसमियाती तब्दीली और आलमी तनाजात के बढ़ते हुए असरात का हवाला देते हुए कहा, लोगों को इस वक्त मुख्तलिफ सतहों के एक पूरे ग्रुप पर चैलेंज किया जा रहा है। ट्रूडो और उनके बकिया वफ ने बशमूल बैन अलाकवामी तजारत की वजीर मैरी एनजी और वजीर खारजा मिलानी जूली बाद में अमरीकी सदर जो बाइडन के जेर एहतमाम एपेक के इस्तकबालिया में शिरकत की। अमरीका के शहर सैन फ्रांसिस्को में सदर जो बाइडन और उनके चीनी हममनसब शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात हुई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीका के शहर सैन फ्रांसिस्को में सदर जो बाइडन और उनके चीनी हममनसब शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान कैलिफोर्निया में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने तनाव कम करने की बात की। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी रहनुमाओं ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। इस मौके पर जो बाइडन ने कहा कि तनाव को तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहिए। चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना था कि सुपर पावर्स के लिए एक दूसरे से मुंह मोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया की दो बड़ी इक्तिसादी क़ुव्वतों के सरबराहों की मुलाकात एपेक सरबराह कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर हुई। चाइना के सदर शी जिनपिंग अपने अमरीकी हममनसब जो बाइडन की दावत पर गुज़िश्ता रोज़ अमरीका पहुँचे थे, जहाँ वो सैन फ्रांसिस्को में होने वाली 30वीं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के दौरान साइडलाइन पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक साथ चहलकदमी भी की। मुलाकात के दौरान सिफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुफीद इस्तेमाल पर बातचीत की गई।
टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।